हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेलवे स्टेशन पर खड़े एक रेल कोच में लगी भीषण आग। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात यार्ड में खड़े एक रेल कोच में यकायक आग लग गई। कोच में आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते ये पूरे कोच में फैल गई। रेल कोच को धधकते देख वहां तैनात कुछ कर्मचारी चौंक उठे। उन्होंने वहां लगे हाइडेंट से पानी की लगातार बौछार कर आग पर काबू पाया। तब तक कोच पूरी तरह से जल चुका था। लॉकडाउन के कारण रेलों का संचालन इन दिनों पूरी तरह से बंद है। ऐसे में रेलवे स्टेशन को आमजन के लिए पूरी तरह से बंद किया हुआ है। रेलवे स्टेशन पर कई रेल खड़ी है। इसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सटी यार्ड की लाइन पर एक कोच खड़ा था। रात करीब 9:30 बजे इसमें से आग की लपटें उठती देख वहां के कर्मचारी दौड़कर कोच के पास पहुंचे। कुछ कर्मचारियों ने हाइड्रेंट के पाइप से इस पर पानी गिराना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक रेल पूरी तरह से जल चुका था। आरपीएफ का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना ही नजर आ रही है। उन्होंने किसी के आग लगाने से इनकार किया। हमें सूचना मिली थी कि रेलवे यार्ड में कोई कोच में आग लग रही है। तत्काल प्रभाव से यहाँ मौके के लिए हमने 2 गाड़ी नागरगेट फायर स्टेशन से और 2 गाड़ी शास्त्री नगर फायर स्टेशन से रवाना करी। मौके पे पहुँचे हैं। आग पूरी तरह हम बुझा चुके हैं। अब इसमें केवल कूलिंग का काम चल रहा है। बाकी आग पूरी तरह बुझ चुकी है। आग लगने का कारण शायद हो सकता है क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो कोई बैटरी से शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बाकी ऐसा कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। संभवतः बैटरी से शॉर्ट सर्किट हुआ हो। ये माना जा रहा है कि सभी कोच तैयार कर यहाँ खड़े किए गए हैं। ऐसे में इसके अंदर हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियों ने आग पकड़ ली होगी और कोच के अंदर ये तेजी से फैल गई। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।